हेलो, आज हम सीएनसी टर्निंग का एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। सीएनसी प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, किसी मशीन को चलाते हैं, उसका किस तरह प्रोग्राम करते हैं, किस तरह उसको हम ऑपरेट करते हैं, ये सब हम आज इस सीएनसी प्रोग्राम के अंदर समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, एक सीएनसी टर्निंग सेंटर आपको दिखाया गया है। इस सीएनसी टर्निंग सेंटर के अंदर विभिन्न उसके पार्ट्स लाइक हेडस्टोक, टेलिस्टोक, कूलेंट, ये किस तरह इसके अंदर ऑटोमेशन से चलते हैं, ये आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर समझेंगे। टर्निंग सीएनसी मशीन आपको फिगर के अंदर दिखाई गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर ये आपका चक है, ये आपका हेड स्ट्रोक है, जिस पे टिकी रहती है उसे हम बेड कहते हैं। ये टूल टरट है, जिसके अंदर बहुत से टूल लगे रहते हैं। ये आपका टेलिस्टोक व्हील है, दिस इज टेलिस्टोक। सीएनसी कंट्रोल पैनल, जिसके अंदर प्रोग्राम बनाया जाता है। यहाँ पे आपका कोई फानुक या सीमेंस लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये फानुक या सीमेंस कंपनी द्वारा जो कंट्रोलर है बनाए गए हैं। इनके अपने कुछ कोड अलग अलग भी कुछ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% जो है वो सेम होते हैं। कुछ कुछ कंट्रोलर के थोड़े कोड में बदलाव भी होता है। वो अभ्यास द्वारा जब हम किसी मशीन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो हम जान जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरह सीएनसी मशीन को चलाएं। राइट ए टर्निंग सेंटर पार्ट प्रोग्राम फॉर पार्ट शोन इन फिगर। यूज वन फिनिश कट एंड रफ कट एंड रिमूव द मटेरियल। प्लान द मटेरियल रिमूवल रेट सुटेबल। इनके एक हमको जॉब दिया गया है, पार्ट दिया गया है जिसका डायामीटर रॉ मटेरियल का 60 मिलीमीटर है। लेंथ उसकी ये आप जोड़ लें, 15 × 2 = 30 और 10 35 और 30 आपका 75 मिलीमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, इस तरह हमें इसको जो आपका डोटेड पोर्शन है, जो आपका हैच पोर्शन है, इसको मेटल रिमूवल करना है और ये बाद का जो मेटल है ये आपका बच जाना चाहिए, जिसमें 30 मिलीमीटर यहाँ इसका डायामीटर हो। कितनी लेंथ के लिए? 30 मिलीमीटर के लिए। नेक्स्ट 10 मिलीमीटर के लिए एक टेपर बनाना है, जिसका आउटर डायामीटर 44 है और एक डायामीटर माइनर वाला जो है वो 30 मिलीमीटर। ये आपको टेपर भी बनाना है, फिर ये एक टर्निंग पार्ट करना है। इस तरह हमें एक जॉब दिया गया है, इसमें जो अदर्स डाटा ना दिए हो उन्हें आप सुटेबली एज्यूम कर लें। ठीक है, इसका प्रोग्राम हम बनाते हैं, देखते हैं इसका प्रोग्राम। पहले हम इस फिगर को एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें सेंटर मानते हैं। सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 0 0। इसके बाद हम कट प्लान करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। हमें रफ कट लगाना है और बाद में फिनिश कट भी लगाना है। हमने एज्यूम कर लिया कि एक कट में हमें 2.4 मिलीमीटर मेटल रिमूवल करना है, तो 6 कट हम लगाते हैं तो 2.4 × 6 ये मेटल आपका रफ कट में रिमूव हो जाता है और फाइनली 1 मिलीमीटर हम फिनिश कट के लिए बचा लें। अब इसको आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले आपका N0101, तो ये आपका सीरियल नंबर है कि आपका 10 20 30 40 50, इस तरह ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। G71 कमांड किस लिए दिया गया है? मीट्रिक यूनिट के लिए, यानी कि प्रोग्राम हमारा मीट्रिक यूनिट में है। उसके बाद G50, S3600, यानी कि मैक्सिमम स्पिंडल हमारी 3600 आरपीएम से अधिक नहीं जाएंगे। उसके बाद M06, T0110, यानी कि टूल नंबर 1 हमने रफ कर टर्निंग के लिए कोई सेलेक्ट कर लिया। G00, X32, Z2, यानी कि फास्टली रैपिडली हम जो टूल है वो X32 और Z2 पे कहीं यहाँ ले आएंगे।
जैसा कि हमारा स्टार्टिंग में दिया गया था कि यहाँ से 30 मिलीमीटर आपका यहाँ बैठता है, हमने यहाँ पे कहीं 2 मिलीमीटर अवे यानी कि एक्स 32 पे और जेड 2 यानी कि कहीं यहाँ जेड से 2 मिलीमीटर दूर यहाँ पे इसको टूल को रैपिडली रोक लिया। अब जी छान में S200 हमने जी छान में कमांड के द्वारा, क्योंकि हमारा डाटा जो कटिंग स्पीड है वो मीटर पर मिनट में दे रहे हैं, इसलिए हम जी छान में कमांड यूज कर रहे हैं। कितनी स्पीड दे रहे हैं? 200 मीटर पर मिनट। उसके बाद G41 M06 ये आपका टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के लिए G41 कमांड दिया गया है। M08 का मतलब है कूलेंट ऑन, आपने कूलेंट ऑन कर दिया। उसके बाद G90 कमांड हमने यूज किया। G90 कमांड किस लिए यूज किया? एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, यानी कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, यानी कि आपके जो भी आपके डाटा है वो ओरिजिन से नापे जाएंगे ईच स्टेप्स के अंदर। अगर हम इसे इंक्रीमेंट में बनाते तो G91 कमांड यूज करते हैं। पहला एक्स की पोजीशन हमने कितनी दी? 27.6। क्यों? क्योंकि हमने 2.4 मिलीमीटर का कट लगाना है, तो 30 में से जब आप 2.4 घटाएंगे तो एक्स 27.6 बच जाएगा। और जेड कहां तक जाएंगे? -54 तक। जैसा हमने देखा था लेंथ हमें कितनी टर्न करनी थी? 40। हमने 5 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर बाद में इसके लिए छोड़ दिया, फिनिश के लिए ये डाटा छोड़ दिया। फीड कितनी दी गई? 0.4। देखिए रफ कट के अंदर हम 0.3 to 0.4 की फीड टर्निंग के अंदर दे सकते हैं, या प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पे आप इंडस्ट्री में जान पाएंगे, ठीक है। दूसरा कट हमने 27.6 से 2.4 घटाए, 25.2। जेड फिर उतना ही दूरी तक गया, फिर हमने 25.2 में से फिर 2.4 घटाया, 22.8। फिर हमने 2.4 घटाया, 20.4। फिर हमने 2.4 घटाया, 18.0। फिर हमने 2.4 घटाया, 15.6। लेंथ क्योंकि हमारी 54, उसके बाद घटती चली जाती है। इस तरह ये हमारा 39 और 34 आप समझ गए होंगे कि पहले 2-3 कट में हम यहाँ तक देते हैं, बाद के फिर 2-3 कट में हम यहाँ तक देते हैं, इस तरह हम इसको डिस्टेंस देते चले जाते हैं। उसके बाद G40, G0 यानी कि हमने रफ टर्निंग पूरी कर ली, कहीं X60, Z60 पे टूल को रख दिया। उसके बाद हमने M05 द्वारा स्पिंडल को ऑफ किया और कूलेंट को भी ऑफ किया। उसके बाद हमने टूल चेंज किया नेक्स्ट फिनिश टर्निंग के लिए M06 कमांड के द्वारा। G42 टूल नोज रेडियस राइट के लिए हमने दिया M08। उसके बाद जी छान में से हमने स्पीड, जैसा कि मैंने बताया था रफ के अंदर हम लेसर स्पीड और हायर फीड देते हैं, लेकिन फिनिश के लिए हम स्पीड को बढ़ा देते हैं और फिनिश जो फीड है उसको घटा देते हैं। तो यहां हमने स्पीड कितनी दी? 300। उसके बाद G00 द्वारा X16 और Z1 पे हमने टूल को रैपिडली ले आए। कहां ले आए? इससे यहां आपका 16 है, यहां आप ले आए और Z1 mm यानी कि यहां पे कहीं थोड़ी दूर पे आपने इसको रखा। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने 1 mm फिनिश का कट लगाया, तो X15 और Z-30। Z-30 का मतलब यहां तक कहीं तक ये आपका पहुंच जाएगा। इस तरह हमने इसको फिनिश कट करने के लिए X15, Z-30 और फीड कितनी दी? 0.2। फिनिश कट के लिए हम जो फीड देते हैं वो 0.1 से 0.2 तक देते हैं। उसके बाद हमने G01, X22, Z-40। एक कट हमने और उसको आगे घुमा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं BC पोर्ट पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए। फिर X30, Z-55 CD पार्ट के लिए। उसके बाद फिर हमने G01, X30, Z-55 ये DE पार्ट के लिए, यानी कि जो मेटल हमारा बचा था इसको हटाते हुए हमने ये काम किया है। उसके बाद G40,
G00 कहीं पर टूल को हमने रख दिया, कटर कंपनसेशन G40 हमने कैंसिल कर दिया, M05 कूलेंट ऑफ कर दिया, स्पिंडल ऑफ कर दिया, एंड ऑफ प्रोग्राम कर दिया और हमने अपना प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। इस तरह हमने रफ टर्निंग और फिनिश टर्निंग दोनों की मशीनिंग करने के बाद इस तरह का पार्ट आपका बन जाएगा। ये सारा कार्य मशीन ऑटोमेशन द्वारा स्वयं करेगी। केवल आपको ये प्रोग्राम कंट्रोलर के अंदर डालना होगा, उसको एक बार चला के देख लेते हैं, अगर कहीं एरर आती है तो उस एरर को प्रोग्राम के अंदर रिमूव कर देते हैं और फाइनली आपका पार्ट जो आपका रिक्वायर्ड पार्ट था क्वेश्चन के अनुसार वो बन जाएगा। यानी कि बार बार आपको अगर इस तरह का प्रोग्राम के द्वारा पार्ट बनाना है तो मशीन स्वयं बनाती रहेगी और आप केवल उसको देखते रहेंगे। इस तरह CNC मशीन एक ऑटोमेशन की सहायता से हमारे वर्क को तैयार कर। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह CNC के अंदर पार्ट बनाया जाता है। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।